अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं आया हूँ आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं जी मेरे भतीजा हमजा आसान और मोहम्मद सुबैद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम कर रहे हैं जी बच्चा पार्टी विद टिक्का पार्टी। बच्चों के साथ मिलकर हम टिक्का पार्टी कर रहे हैं। वहाँ पर बड़े भाई हमारे हैं, वो उन्होंने इस वक्त आग का सिस्टम वगैरह अंगीठी वगैरह बना रहे हैं, तो अब चलते हैं जी उनकी तरफ। अभी मैं इनके पास आया हूँ जी। ये यहाँ पर लकड़ियाँ टोक रहे थे और अब इन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म की आग लगाई है। आग अंगीठी के अंदर अभी इन्होंने डाल दी है और ये इस वजह से डाली है कि ये अभी अंगार बन जाएंगे मोटे मोटे। ये लकड़ियों की कटाई कर रहे हैं, साथ में तेज़ भी रखा हुआ है, गुलाड़ी भी रखी हुई है और बच्चों को डांट भी रहे हैं। और मैं यहाँ पर खड़ा होकर सिर्फ आग को इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घुटना हो गया है ख़राब, इसको सख्त दर्द है, इस वजह से मैं आज कोई काम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ और टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। लेकिन ये जो है ये काम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। चलते हैं, आपको मिलवाते हैं बाकी की वीडियो में थोड़ी देर के बाद। और आज शहर को बुलाया की जा रही है, भड़की जा रही है, लेकिन अंगारे अभी तक नहीं बन रहे हैं। मेरा हार गर्मी से क्या हो गया कि मैं इसके बिल्कुल करीब बैठा हूँ, ऐसे बैठा हूँ पागलों की तरह, जैसे ऐसे लगता है कि अभी तो सर्दियाँ हैं और मैं सर्दियों में बैठा हूँ सर आग के पास। वाह, अभी बहुत साफ गर्मी है, देखें मेरे मुँह के ऊपर पसीना। लो जी, आपको दिखाते हैं जी नया फार्मूला आ गया है जी आग को। ये देखें जी, ये जनाब साहब ने यहाँ पर लगाया है पंखा और वहाँ आग लगी हुई है, उसको जो है वो ज़्यादा करने के लिए और ज़्यादा और कम करने के लिए यहाँ पंखा है और वहाँ पर जो है वो इसको भड़का रहे हैं और ज़्यादा, और हम पागलों की तरह गर्मी में भड़क रहे हैं। अब हम चलते हैं जी वापस घर में जाते हैं। मैं चल रहता हूँ कि अब जाता हूँ, छोटे से बच्चे जो माता का सिंह लोग हैं वहाँ से लोग, उनको भी लेकर आता हूँ, उनको भी थोड़ा सा इंजॉय वगैरह कराते हैं यार। वो किसी का पार्टी घर लेके वो साल भाई ने वापस जाना है, भाई कहा चलो अपने बच्चों को भी और बाकी बच्चों को भी ले आते हैं, बच्चों को बच्चा पार्टी और बच्चा पार्टी ले आते हैं। कासम लोगों के घर में आया हुआ था और यहाँ पर हमारा दही भी पड़ा हुआ था इनकी फ्रिज में, यहाँ से अब निकाला है अपने लिए दही। और अब चलो भाई बासे और मोहम्मद भी बैठ के हमको देख रहा है कि चाचू और चाचू ने मामू क्या कर रहे हैं, मामू वीडियो बना रहे हैं भाई आपके लिए, जाने मेरे साथ। मोहम्मद का दिल आ रहे हैं, मोहम्मद अपने बाबा को नहीं छोड़ता भाई। यहाँ पर दही उठाए हुए है जी, वासे ने छुपा लिए दही, छुपाया है और अब वासे बैठो भाई, वासे वासे भी हमारे साथ अभी जाएगा और आगे से कासिम को भी उठाएंगे, कासिम अपनी दादों के घर में है और ये मेरे साथ जा रहा है जी। वीडियो उतर दी, वीडियो बनाने पे हम हो गए थे जी थोड़े से लेट, कासिम और वासे को लेने के लिए गए और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है। प्रोग्राम बड़ा नहीं है जी, प्रोग्राम तो हम किधर बढ़ने देते हैं जी, ये खाने का प्रोग्राम हो तो बढ़ जाए, ये कैसे हो सकता है। ये देखें जी एक और बच्चा पार्टी जो है, ये पापड़ खा रही है, पापड़ पार्टी हम इसके साथ खींच कर खाते हैं, लेकिन ये निकल ही नहीं रही, शायद हमारे नसीब में आ ही गई आखिरकार। बहुत ही प्यारे अंदाज में सूफी साहब बैठे हैं जी, हवलदार साहब, मैं अब जा रहा हूँ भाई जान नमाज के लिए, इशा की नमाज का टाइम हो चुका है और जाते हैं आज ईद के बाद, एक दो ही दफ़ा अजान दी है, मौका नहीं मिला, लेट हो जाते थे, और आज जाते हैं जी प्रॉपरली अल्लाह के हुक्म से, अगर नसीब में हुई तो अजान देंगे और नमाज माज पढ़ के वापस आएंगे, फिर ये बच्चों के साथ मिलकर खाने वाला काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे मज़े। इमरान हाशमी, ओह इमरान अशरफ, मज़े। पहुँच चुका हूँ मस्जिद के पास और मस्जिद अभी तक कोई भी नहीं आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद ही आया हूँ। मस्जिद को खोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने हमको गांव में तीन मस्जिदें हुई हैं, इतने नमाजी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों मस्जिदें हर वक्त जो है तकरीबन भरी होती हैं। मस्जिद में अजान का टाइम होने वाला है, ये एक मिनट रह गया अजान का टाइम, हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ से इन्होंने
टेंटा जो है उठा लिया है, लगता है ये प्रोग्राम इन्होंने अकेले अकेले कर लिया, हमको किसी खाते में नहीं डाला। आए मज़े मज़े की ये बन चुकी हैं जी, बहुत प्यारे अंदाज में सूफी साहब ने बनाई हैं जी। सूफी साहब की आखिरी छुट्टी लगता है इसी में गुजरेगी, और ये कासिम साहब भी आ गए हैं दोबारा वीडियो में। सुदैस अंजला, सुदैस को देखें जी क्या माहौल बनाया हुआ है सुदैस ने। हाँ जी, सुदैस की बातें आपने सुनी है, और हम जाते हैं देखते हैं जी टीवी इंडिया और बांग्लादेश का मैच किधर पहुंचा है। जी आवाज है पुत्र, क्या हाल है तेरा? मैच जारी है जी, इंडिया के बांग्लादेश के 66 पे 2 आउट हो चुके हैं, और बच्चे यहाँ पर बहुत रात को हमने पार्टी शर्टी की है, उसके बाद खाना खाना खाया है, कुछ मेहमान की वजह से मैंने कैमरे को बंद ही रखा, मैंने कहा 20 दिन हो गए, तो उसके बाद फिर पोर्टुगल और तुर्की का मैच शुरू हो गया, वो मैच देखा, मैच देखते देखते फिर 11-12 हो गया, फिर 100 गए, 100 पर उसने फिर दोबारा कोपा अमेरिका का मैच देखा, और अब मैं आया हूँ हंजला के कमरे में, देखा है हंजला यहाँ पर कार्टून में देख रहा है, मैं कहा चलो हंजला बच्चे के साथ इस चैनल को मतलब कि इस विलाग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं ये विलाग आपको बहुत पसंद आया होगा। मजीद मेरी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अंजला भाई क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अंजला कह रहे हैं जी अल्लाह हाफिज़, फिर अल्लाह हाफिज़।